हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे मेरा किचन को बहुत कम टाइम में और क्लीनिंग करती हूँ। 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर ही, चाहे मेरा किचन कितना भी गंदा हो, ऑयली हो, चिपचिपा हो, बहुत गंदा, ज़्यादा गंदा हो, फिर भी मैं 10 मिनट के अंदर ही मेरा किचन को बहुत कम मेहनत में साफ़ करती हूँ। वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं रेंट का घर पे रहती हूँ। तो रेंट का घर पे क्या होता है, जब भी रूम चेंज करके आती हूँ तो किचन का हालत ऐसा ही मिलता है। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। तो पहले एक कटोरी लिया फ्रेंड्स, अपना किचन जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप डिटर्जेंट लीजिए, बेकिंग सोडा लीजिए और हार्पिक लीजिए। किचन पर जिस जगह पर ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा गंदा है, बहुत चिपचिपा है, उस जगह पे 2 मिनट के लिए सिर्फ अच्छे से चम्मच से लगा लीजिए। लगाने के बाद थोड़ा सा घसने के बाद ही आपको खुद को पता चलेगा कि कितना अच्छा क्लीन कर रहा है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है फ्रेंड क्लीनिंग होने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं कैसे कर रही हूँ आप लोग देखते रहिए और फिर मिलते हैं। मेरा किचन को अच्छे से क्लीन करके हो गया। अब लोगों को दिखाई दे रहा है किचन कितना अच्छे से साफ़ हुआ। अभी अच्छे से पानी डाल के अच्छे से धो लिया फ्रेंड्स। धोने के बाद एक सूखा कपड़ा यूज़ करूँगी, अच्छे से पोछ लूँगी। किचन जब भी साफ़ रहता है फ्रेंड्स, सचमुच हम हाउस वाइफ को बहुत अच्छा लगता है बार बार, क्योंकि हम लोगों का काम ही रहता है किचन में। तो फ्रेंड्स किचन जब भी साफ़ सुथरा रहता है तो खाना बनाने का, कुछ भी काम करने का मन भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और आप सबको बाय बाय।